नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट से सुनवाई टल गई है। जी हां, आज सुनवाई थी, महत्वपूर्ण सुनवाई थी, और ये माना जा रहा था कि आज की सुनवाई में लालू यादव को बेल मिल सकती है, लेकिन सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। दरअसल सुनवाई पूरी नहीं हुई है और अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी। तो जी हां, 19 फरवरी नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण तारीख होगी, अगली जो सुनवाई होगी लालू यादव के जमानत याचिका पर। तो आज दुमका कोषागार से मिले हुए मामले में सुनवाई हुई थी। आज जो है लालू यादव के केस की पैरवी कर रहे जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी पहुंचे थे और तमाम वकील भी मौजूद थे। आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और वकीलों का जहां तक बयान आया था, उनका दावा था कि लालू यादव के आज की सुनवाई में बेल मिल जाएगी, पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और सुनवाई अब अगले 19 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। यानी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा लालू यादव के बेल के लिए। एक सप्ताह बाद लालू यादव को बेल मिल सकता है, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट से खबर आ रही है, फिलहाल सुनवाई 19 फरवरी तक टाल दी गई है। आपको बता दें, दुमका कोषागार मामले में यह सुनवाई थी, अवैध निकासी का जो मामला है उस मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। इस मामले में सीबीआई ने दो दो अलग धाराओं में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद की ओर से याचिका दायर कर हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया गया है और बीमारी को भी आधार बनाया गया है, क्योंकि लालू यादव का इलाज अभी दिल्ली एम्स में चल रहा है। वो बीमार है, दिल्ली एम्स में उन्हें भेजा गया था रांची रिम्स से। रांची रिम्स में उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो पिछले दिनों उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया था। इलाज चल रहा है, लालू यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं बताई जा रही है और एम्स में वो लगातार उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा राबड़ी देवी भी, तमाम लोग जो है नज़रें बनाए हुए हैं लालू यादव के स्वास्थ्य पर। इस बीच ये बड़ी खबर आई है कि लालू यादव को जमानत के लिए फिलहाल अभी एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 19 फरवरी को अब सुनवाई होगी। हम आपको बता दें, चारा घोटाला का जो ये मामला है दुमका कोषागार का, इस मामले में चारा घोटाले के 5 मामले लालू यादव पर चल रहे हैं, जिसमें 5 मामले में से 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है, 3 मामलों में पहले ही उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो ये जो मामला है दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें लालू प्रसाद की जो ओर से याचिका दायर किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जेल में हुआ 42 माह 28 दिनों की हिरासत की अवधि उन्होंने पूरी कर ली है। यानी आधी सजा पूरी हो गई है और आधी सजा पूरी होने के आधार पर जमानत की याचिका दायर की गई है। तो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और अब 19 तारीख को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, और माना जा रहा है कि 19 तारीख को बड़ा फैसला आ सकता है जमानत पर। हम बता दें आपको कि सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। जो आधी सजा के आधार पर जमानत मांगी गई है लालू यादव की तरफ से, उसका विरोध सीबीआई ने किया है, और इस वजह से आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज जो मांगा गया था लालू यादव से, वो दस्तावेज कोर्ट को दे दिया गया है। हालांकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें रिम्स को फटकार लगाया गया था कि रिम्स से मांगा गया था लालू यादव के जो स्वास्थ्य का जो रिपोर्ट मांगा गया था वो रिम्स ने नहीं दिया था। तो ये तमाम दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं और अब लालू यादव की सुनवाई लगभग आज माना जा रहा था कि लालू यादव को जमानत मिल सकती है, पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। और अब बड़ी खबर यह है कि 19 फरवरी को सुनवाई होगी और उस दिन तय माना जा सकता है कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि आधी सजा पूरी हो सकी है और तमाम दस्तावेज भी जमा कर दिए गए हैं कोर्ट में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।